हेलो एवरीवन, माय नेम इज ओडी एंड दिस इज आवर चैनल नेचर मैन एंड पेट्स। वेलकम बैक। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है एक रशियन टर्टॉइस के ऊपर। इसको हमने जो है वो रेस्क्यू किया है एक शख्स के पास से, और उसने बहुत बुरी तरह इसको रखा हुआ था, तो हमने उसको जो है कुछ पे करके उससे ले लिया है। और उसको हमने जो है प्रॉपर रखना है, जब एक प्रॉपर सही हो जाएगा तो फिर हम उसको जूम में जो है गिव अवे कर देंगे। और आज हम इसके बारे में बात करते हैं। ये है हमारा रशियन टर्टॉइस। ये घर में रखने के लिए एक बेहतरीन पेट्स हैं, और जो है ये बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं करते। इनफैक्ट आप उनको अपने बच्चों के साथ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन बात वही आ जाती है कि अगर हम इनको रखते हैं तो हमें इन्हें प्रॉपर वे में रखना चाहिए। इनको कभी भी जुल्म ज़्यादती नहीं करनी चाहिए इनके साथ। इनको पक्के फर्श में रहने की बिल्कुल आदत नहीं होती है, और पक्के फर्श में रहने की वजह से आप ये देख सकते हैं कि इसके नाखून जो हैं वो ख़राब हो चुके थे। इसको हमने क्रॉप करके सही करने की कोशिश करी है, और इसको अब हमने प्रॉपर एनवायरनमेंट दिया है, इसकी हमें प्रॉपर लुक आफ्टर कर रहे हैं। और जब ये ठीक हो जाएगा बिल्कुल, तो हम इसको जो है किसी प्रॉपर जगह पे, जू टाइप की जगह पे हम इसको रिलीज़ कर देंगे, या फिर किसी डेजर्ट में रिलीज़ कर देंगे, क्योंकि ये जो है ये भी मिट्टी के रहने वाले होते हैं। ये डेजर्ट टाइप या सैंडी आइटम्स की जगहों पर रहते हैं। ये नॉर्मली आपको बलूचिस्तान के इलाकों में अक्सर मिलते हैं। ये हरियाली पौधों में बिल्कुल नहीं होते। और जहाँ तक इनके खाने पीने का सवाल है, ये जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, और जो है ये पत्ते वत्ते वेजिटेरियंस होते हैं, ये गोश्त नहीं खाते। तो कभी भी आप अगर इनको रखें तो कभी भी इनको गोश्त डाल के इनको ना रख खिलाने की कोशिश करें। और जो है ये खीरा बहुत शौक से खाते हैं, ये जो है टमाटर बहुत शौक से खाते हैं, ये सलाद के पत्ते बहुत शौक से खाते हैं, जो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं बहुत शौक से खाते हैं। इनको अगर आप कभी रखें तो बिल्कुल आप इनको रख सकते हैं, ये नुकसान नहीं पहुँचाते, बहुत अच्छे होते हैं, ये बहुत फ्रेंडली होते हैं ये। और सबसे अच्छी चीज़ ये होती है, बहुत ज़्यादा डरते नहीं है ये। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं इनको हाथ लगा रहा हूँ, लेकिन ये अपने आप को हाइड नहीं कर रहा, और बाकायदा इसके हाथ में सारे बाहर हैं। बहुत अच्छी चीज़ होते हैं रखने के लिए, लेकिन बात वही आ जाती है कि अगर हम इसको रखें तो एक और प्रॉपर वे में रखें। कभी भी अगर आप इन्हें रखें तो आप इनको प्रॉपर एक्सपोजर दें। एक अगर आप एक्वेरियम के अंदर रखें तो इनको प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। और जैसे कि रेप्टाइल्स हैं, और रेप्टाइल्स जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं वो सर्दियों के अंदर हाइबरनेशन के ऊपर चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हैं। तो हम अक्सर समझते हैं कि बीमार हो गए या मरने वाले, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो हाइबरनेशन अपने पीरियड में होते हैं, और जो है उनको हमने प्रॉपर जो है हीट देनी पड़ती है, प्रॉपर उनका टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। अपनी लाइट जब भी आप लगाएं तो एक टेम्परेचर मीटर ज़रूर उसके साथ एडजस्ट करें, कि जो है आपको प्रॉपर उनके टेम्परेचर का पता हो, कि इनको किसी किस्म का उससे कोई नुकसान ना हो। और अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा होगा तो ये सुस्त हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो भी इनके लिए ज़्यादा बेहतर नहीं होता। तो बेहतर यही होता है कि जो है आप इन बिटवीन रखें, मेंटेन रखें। और अब हम बात करते हैं कि इनकी ब्रीडिंग की, तो इनकी ब्रीडिंग का प्रोसीजर ये होता है कि ये लोग जो है एग लेंगे, ये अंडे देते हैं, और अंडे जो हैं ये मिट्टी के अंदर देते हैं। मिट्टी के अंदर ही इनके प्रॉपर लोग खुद अपने अंडों की देखभाल करते हैं, ह्यूमिडिटी क्रिएट करते हैं, अपने हिसाब से सारी चीज़ें सेट करते हैं, उन्हीं के अंदर ब्रीडिंग करते हैं ये। उन्हीं के अंदर से अंडे जब बच्चे निकल आते हैं तो बच्चे खुद ही मिट्टी से बाहर आ जाते हैं। अपने कमेंट ज़रूर मेंशन करिएगा, और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप इन फ्यूचर कोई और किसी और जानवर के बारे में, किसी और रैपेट के बारे में, किसी और रेप्टाइल के बारे में, किसी और बर्ड के बारे में जानना चाहते हैं, ज़रूर हमें कमेंट में मेंशन करिएगा। हम आपको ज़रूर जो है वो उन चीज़ों से आपको उनके फैक्ट्स और फिगर्स बताएंगे, उनके बारे में नॉलेज देंगे, उनको फिर हैंडल करके दिखाएंगे, कहाँ वो किस तरीके से नुकसान पहुँचाते हैं, उनको किन तरीके से हैंडल करना है, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और देखते रहें हमारे वीडियोज़ को, और नॉलेज हासिल करते रहें। और ऑलवेज रिस्पेक्ट नेचर, ऑलवेज रिस्पेक्ट एनिमल्स, ऑलवेज रिस्पेक्ट।